नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। गुमला जिले के सिसई प्रखंड के पुसोद थाना क्षेत्र में रवि नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। प्रखंड सिसई अंतर्गत थाना पुसोद क्षेत्र में रात की घटना है। युवती को मेला से लौटने के क्रम में पांच लड़कों ने जबरदस्ती पकड़कर झाड़ी तरफ ले गया और पांचों लड़कों ने दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्ची 8वीं कक्षा में पढ़ती है। इस मामले में सोमवार को पुसोद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जानकारी के अनुसार पुसोद थाना क्षेत्र में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा अपनी सहेलियों के साथ घाघरा थाना क्षेत्र में लगे मेला और वहीं चल रहे 5 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट को देखने गई थी। वहां से वह शाम को सहेलियों के साथ मेला और टूर्नामेंट देखकर लौट रही थी। इसी दौरान गांव पहुंचने से पहले ही कोयल नदी के पास 4-5 युवक उसे जबरन उठाकर झाड़ी के ओर ले गए और वहीं पर सभी ने बच्चे से बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने इस बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। पीड़ित बच्चों ने पहुंचने पर मां को पूरी वारदात की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने गहन जांच पड़ताल करते हुए 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से एक लड़का नाबालिग है, जिसमें विकास उराव उम्र 19 वर्ष, करमचंद उराव उम्र 19, अनिल उराव उम्र 19, चंद्रपाल उराव उम्र 20, करमचंद उराव उम्र 13 वर्ष नाबालिग है। इस मौके पर मनीष चंद्रलाल, SDPO विनोद कुमार, इंस्पेक्टर मिच राय पढ़ैया, थाना प्रभारी महेंद्र कुमार राणा, टेकलाल महतो, तपेश्वर बैठा, कपिल अहमद सहित दल बल शामिल थे। नाबालिग लड़की अपनी 4 सहेलियों के साथ में घाघरा खपिया खपिया में जजरा मेला लगा था। वहाँ पर वो दिनांक 2 तारीख को वो अपने सहेलियों के साथ 3 बजे निकली थी और 4 बजे करीब वहाँ से मेला देखकर 7 बजे शाम में जब वो अपने सहेलियों के साथ लौट रही थी तो घाघरा रूसा गड़ा पत्रा के पास जब पहुँची तो पीछे से 5 लड़के आके उसका पाल पकड़कर उसको झाड़ी में ले जाकर उसके साथ 5ों बारी बारी से उसका दुष्कर्म किए। जब वहाँ पर ग्रामीण लोग आ गए तो उन लोग उनको लड़की को छोड़कर भाग गया। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक निरुद्ध बालक है और जिसमें करमचंद है, प्रकाश है, विकास है, अनिल और करमपाल, इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। लग रहा है कि सबसे अहम बात है कि नशा पान को परित्याग करें। नशा पान के ही चलते ये घटनाएं घट रही है और हम लोग नशा पान और डाइन बिसाइन सभी को लेकर हम लोग अपने थाना के स्तर से थाना प्रभारी और थाना के अधिकारियों द्वारा समय समय पर जाकर गांव में जाकर इन लोगों को उसको जागृत किया जा रहा है और नशा पान के विरुद्ध में छापामारी भी की जा रही है और ऐसे मामलों में हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।